स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मायरा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोजगार मेला के तहत आज 1,00,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स को किया गया वितरित। एनसी को लगा बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए पूर्व एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनाई। रामबन में पेश आया दर्दनाक हादसा, घर में भड़की आग, 3 बहनों की हुई मौत। चीफ सेक्रेटरी अटल ढुल्लो ने मथुवार में 3 दिवसीय बसंत पंचमी मेला का किया उद्घाटन। जेएमसी द्वारा आज नालों पर अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया अभियान, लोगों से अपील, कहा कि सफाई कर्मचारियों की मुश्किलें ना बढ़ाएं। पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन को देखा गया, आर्मी द्वारा ड्रोन पर की गई ओपन फायरिंग। जम्मू के डोगरा चौक के नजदीकी घर में लगी भीषण आग, जानी और माली नुकसान की कोई इतला नहीं। एसएसजी रोड को यातायात के लिए किया ओपन, साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी, लोगों से गाड़ी इमरजेंसी पर्पज और स्लो चलाने की दी गई सलाह। कठुआ में आयोजित इंटर स्कूल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी के छात्र ने 2 गोल्ड मेडल किए हासिल। और जिला पुंछ में आज पुंछ प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ इनॉग्रेशन। स्टेट टाइम्स के बुलेटिन में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।